ओके, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, अश्नू का सॉन्ग काफी धमाल मचा रहा है, कितना पसंद है आप लोगों को, कुछ बताना चाहिए आपको? मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे जब मैंने इसको पहली बार सुना था, जब करण अश्नूर को सुनाने आया था तो मैं साथ में था, मुझे तो जैसे ही सॉन्ग प्ले हुआ आई जस्ट लव्ड इट। और फिर उसी वक्त अश्नूर ने भी बोला हाँ हम ये सॉन्ग करेंगे। मुझे भी ये सॉन्ग बहुत ही पसंद आया, क्योंकि इससे पहले अश्नूर ने पंजाबी सॉन्ग नहीं किया था, और जैसे उसने बताया कि इसमें इसका ऐसे पंजाबी लुक होगा चुन्नी के साथ, पटियाला सलवार के साथ, और ये ऐसा हम कोरियोग्राफ करेंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमने इमीडिएटली उसको हाँ बोल दिया। आज आप लोगों ने देखा यहाँ पर कैसा लग रहा था कि डांस काफ़ी कर रहे थे, कितना मतलब प्राउड फील आप करते हैं? मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ और मैंने अपनी बेटी को पंजाबी लुक में देखा, पंजाबी जुत्ती सलवार और चुन्नी लहराते हुए पंजाबी सॉन्ग पर, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। सर आप बताना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ ये एक लुक है जो सरदारनी का होना चाहिए, और पहली बार पर्दे पे ये लुक देख के मुझे लगा कि हाँ ठीक है। उससे इंस्पायर होकर मैं भी आज पंजाबी पटियाला सलवार पहन के आई हूँ। पटियाला प्यार मिलना, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली जब लोग बाहर मिलते हैं और बोलते हैं कि हमें आप जैसी बेटी चाहिए, और बहुत लोग ऐसे जिन्होंने अपनी बेटियों का नाम अश्नूर रखा है, जब पर्सनली हम मिलते हैं तो बहुत ही प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और आजकल तो ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि ये जो पटियाला ब्रिज में मिन्नी का कैरेक्टर है, ये बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहा है, और बहुत DMs आते हैं जहाँ पे वो खुल के अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं कि मिनी हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन आपको देख के समझ में आया कि हमें इसको कैसे फाइट बैक करना है। तो बहुत अच्छा लगता है कि कुछ ऐसा काम हो रहा है जिससे ऑडियंस इंस्पायर हो रही है। तो आप कुछ कहना? अगेन वो एक इंस्पिरेशन है, वो एक मिसाल है लोगों के लिए कि अगर आपके जीवन में कुछ भी तकलीफ आती है तो उससे डरना नहीं है, उससे सहम नहीं जाना है, उससे डट के मुकाबला करने की ज़रूरत है। तो ये जो मैसेज पटियाला बेब से जा रहा है, ये मैं कहता हूँ कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और इससे लोग सीख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ कि ऐसा हो तो हमारे सोसाइटी में, हमारे इंडिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सलूशन आ सकता है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं आप भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं हर प्रोजेक्ट में इस तरह से करना है, क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेशनल वुमेंस डे भी आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी सभी बेटियों के लिए, आप पूरे देश के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो हेल्प नहीं करते अपनी बेटियों के लिए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, और ये मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, ये मैं महसूस भी करता हूँ, और ये मैं कई बार बोल भी चुका हूँ कि लड़का जो होता है वो भाग्य से होता है, और लड़की जो होती है वो सौभाग्य से होती है। तो सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर में लड़कियां होती हैं और उनका नाम रोशन करती हैं, और हमारी अश्नूर ने हमारा नाम बहुत रोशन किया। सो आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर, एंड आई विल अर्ज एवरीवन टू बी प्राउड ऑफ देयर डॉटर्स, एंड नॉट ओनली डॉटर्स, योर चिल्ड्रन, चाहे वो कुछ भी करें, चाहे वो एवरेज ही हैं, बट एक एवरेज चाइल्ड भी जो होता है वो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करके जाता है। तो ये जो है हमें अपने बच्चों को यही सपोर्ट देना चाहिए, और अगर वो एवरेज भी हैं उनको बोलना चाहिए नो प्रॉब्लम, यू डन योर बेस्ट, लेट्स गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट थिंग। आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? मैं सेम ही कहना चाहूँगी, इन्होंने जो बोला है कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, सिर्फ पेरेंट्स को उसको पहचानना है और उसको बढ़ावा देना है और उनको आगे करना है। थैंक यू सो मच। और आखिरी में अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हमारे तो फैंस मतलब देखते रहिए, कुछ आप कहना चाहेंगे कि पटियाला बेब्स देखते रहिए, अपने उलझनों का सुलझने का तरीका देखते आप बस देखते रहिए, और व्हाट्स द न्यू सॉन्ग? थैंक यू।